नमस्कार सर, यात्रा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पॉपुलर अस्पताल के सहयोग से बची एक वृद्ध महिला की जान। जी हाँ, आपने सुना होगा कि डॉक्टर भगवान के दूसरे रूप होते हैं, जिसका सटीक उदाहरण मिर्जापुर नटवा स्थित पॉपुलर अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा एक वृद्ध एवं विधवा महिला की जान बचाकर मिसाल पेश किया है। डॉक्टर एस के मुसद्दी द्वारा रेफर किए और कहा कि इनका इलाज केवल पॉपुलर हॉस्पिटल में ही संभव है। तत्काल परिजनों ने मरीज को 11 मई 2022 को एक वृद्ध एवं विधवा महिला मरीज श्याम कुमारी उम्र 70 वर्ष महुआरी कला विंध्याचल पॉपुलर हॉस्पिटल में ले आए, जिसके दिल की धड़कन बहुत ही कम हो गई थी, जिसका जान बचाना बहुत कठिन था। मिर्जापुर पॉपुलर हॉस्पिटल के डॉक्टर एस के श्रीवास्तव एवं उनके टीम द्वारा परमानेंट टेम्प्रोरी पेसमेकर लगाकर 14 मई को मरीज की जान बचाई गई। परिजन काफ़ी प्रसन्न दिखे और सभी डॉक्टर्स का धन्यवाद किया। डॉक्टर ने बताया कि मरीज को 15 मई को रिलीव कर दिया जाएगा। परिजनों ने बताया कि किसी दूसरे अस्पताल में पेसमेकर लगवाते लगभग 5 लाख का खर्चा आता, लेकिन पॉपुलर में 1,70,000 में ही काम हो गया। मरीज अब अच्छे से रहा है। सत्यात्रा न्यूज से आस्तु शर्मा की खास रिपोर्ट। धन्यवाद। पारसनाथ पांडे, कहाँ करे आपको? महुआरी कला। आप पॉपुलर हॉस्पिटल में आए हैं, हाँ। क्या समस्या थी? चार पाँच दिन पहले एक हमारी भाभी थी, गत हो गई थी, तो औरतें मतलब रोती मिल सदी हैं, पुरुष में हर ऊपर 60 साल की लगभग वो थी, 58 साल की, तो उसी में ये भी बीमार हो गई तुरंत। तो अब क्या कंडीशन है मरीज को? तो हमने तो तत्काल मुसुद्दी डॉक्टर के पास गया जी। तो यहाँ आने के बाद क्या कंडीशन है मरीज का? यहाँ तो बहुत ठीक हो गया ना। आप संतुष्ट हैं जी? फेस मेकर वगैरह क्या क्या वो बताए हैं, लगाए हैं हार्ड में यहाँ पे। क्या लगता है, ये हॉस्पिटल में अच्छा इलाज हो रहा है? हाँ, संतुष्ट है इसमें? हाँ, संतुष्ट तो हैं। पैसे भी अधिक मांग नहीं किया गया, पैसे भी हमने नहीं दिया था। क्या लगता है, जितना पैसा लगना चाहिए उससे कम लगा? नहीं, अभी 8-9 साल पहले हमारे एक दादा हैं जी। तो वो जो है कि इलाहाबाद गए थे, तो पता लगता है वहाँ ज़्यादा पैसा लगा, तो उसकी अपेक्षा तो यहाँ बहुत कम ही लगा। आराम है जी। परिचय बताएं। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण सिंह है, मैं पिछले 3 साल से मिर्जापुर पॉपुलर हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। जी डॉक्टर साहब, दिनांक 11 मई 2022 को लगभग शाम को एक वृद्ध महिला आपके अस्पताल में आई थी, जो को मुसद्दी डॉक्टर ने रेफर किया था। यस। क्या समस्या था, आपने क्या निदान किया? सर ने जब भेजा था तो महिला की धड़कन जो है 20 से 25 चल रही थी, और एक नॉर्मल धड़कन जो है 80-70 होना चाहिए। तो हमारे मतलब शरीर में एक कमी हो जाती है, जिसकी पेसिंग खत्म हो जाती है, मतलब पेसमेकर क्या हो सकता पड़ती है। तो हमने महिला को तुरंत देखा और महिला के परिजनों को उससे बात किया, और उन्होंने मैंने एडवाइस किया कि तुरंत इसको टेम्प्रोरी पेसमेकर लगेगा। परिजन तैयार हो गए और हमने तुरंत पेसमेकर टेम्प्रोरी लगाया और मरीज की जान बचाई, जो कि बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन था। और ऐसे कंडीशन में टेम्प्रोरी पेसमेकर डालना बहुत ही डिफिकल्ट का काम है, और हमने उसको रात में 10 बजे हमने पेसमेकर लगा के उसकी जान बच गई 3 दिन के बाद जी। क्या लगता है कि अगर ऐसे पेशेंट भविष्य में भी आएंगे तो क्या उनका भी निदान होगा? जी बिल्कुल, अगर ऐसे मरीज अगर मिलते हैं किसी को, तो वो तुरंत यहाँ पर संपर्क करें, क्योंकि यहाँ पर कैथ लैब है और कैथ लैब में ही ये प्रोसीजर संभव है। जैसा कि पेशेंट ने बताया कि 3 दिन तक हमने एक भी पैसा नहीं जमा किया, फिर भी आपने इलाज किया, क्या आपको विश्वास था कि काम? विश्वास इसलिए था कि मरीज के परिजन इतने अच्छे थे कि उन्होंने कहा कि सर आप इलाज करिए, हम पैसे की व्यवस्था कर रहे हैं। और बैंक में पैसा उसका होने के बावजूद भी पैसा नहीं निकल पा रहा था, तो हम लोगों ने प्रयास किया और पैसा भी आ गया और इलाज भी। डिस्चार्ज कब करेंगे? कल डिस्चार्ज कर दूंगा। अगर पैसा ना रहता तो क्या आप बीच में ये रोक देते? नहीं, मैं नहीं रोकता। पैसा नहीं होता तो मरीज का, इसीलिए हम लोगों ने 3 दिन वेट किया कि किसी भी तरीके से पैसा लगे। जहाँ तक मरीज की 3-4 लाख रुपए लगता, लेकिन अस्पताल के योगदान से उस मरीज का इलाज लगभग 1.5 लाख रुपए में हम लोगों ने किया, जो कि ओनली फॉर पेसमेकर की कास्ट है। पेसमेकर की कास्ट लगभग 1.5 लाख रुपए है। आप संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल। है और किसी वृद्ध महिला का आपके द्वारा जान बचाएगा, क्या है मामला? सर मामला ये है कि हम पॉपुलर हॉस्पिटल मिर्ज़ापुर, ये एक आम पब्लिक का सेवा करने के लिए, और हम लोग 24/7 अवेलेबल रहते हैं मरीज को सर्विस देने के लिए। और मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे लिए नहीं है, मैं इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस मरीज के साथी के साथ किया। हो सकता है मैं फैब्रिकेटेड कर दूँ, बट मरीज का साथी आपके साथ सच्चा बात बोलेगा। आपने जो भी मरीज से कम्युनिकेशन किया वो ट्रू फैक्ट है और वही सच्चाई है। और आपने जो मरीज को ट्रीटमेंट दिया है,
क्या ट्रीटमेंट दिया है मरीज को, क्या कंडीशन था मरीज का जो यहाँ एडमिट हुआ? सर जब मरीज हमारे पास आया, हमारे लोकल फिजिशियन, उनको लगा कि पेशेंट का जो हार्ट बीट है बहुत कम है, वो सेमी कॉन्शस में थी, और उनको डॉक्टर ने राइट टाइम पे एडवाइस दिया, उनके पास इतना समय नहीं था कि लॉन्ग डिस्टेंस कहीं जा पाए, उन्होंने बोला सीधा आप पॉपुलर जाइए, इसलिए क्योंकि यहाँ पे कैथ लैब है और वो पूरा हो सकता था जो मरीज की ज़रूरत थी। इमिडिएटली हमने जब पेशेंट को देखा, हमारा टीम रात में पूरा आके देन एंड देन, मरीज के साथी के पास फाइनेंशियली कंडीशन नहीं था कि रात में वो इतना फंड इकट्ठा करके हमें दे, बट उनके चेहरे को देखते हुए और रात की सिचुएशन देखते हुए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग पेशेंट को सर्विस देते हैं, और हम लोगों ने टेम्प्रेरी पेसमेकर इमीडिएटली इम्प्लांट किया। अब क्या स्थिति है? टेम्प्रेरी पेसमेकर लगाने के बाद कंजर्वेटिव 3 दिन में रखा गया कि शायद हम लोग पेशेंट को यहीं से डिस्चार्ज कर दे, बट उनकी जो परमानेंट पेसमेकिंग जो है वो ख़राब हो चुका था, अब हमें परमानेंट पेसमेकर लगाना था। मिर्ज़ापुर जनपद में पेसमेकर की सुविधा सिर्फ पॉपुलर में है क्या और कहीं है? सर जिसके पास कैथ लैब होगा उन्हीं के पास वो सर्विस होगा, और वो कैथ लैब सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है। पेशेंट आपसे संतुष्ट है? सर ये बहुत अच्छा होता अगर आप डायरेक्टली उनसे आप बाइट ले लेते तो सच्चाई वहाँ से रिवील होता। मैंने अपना पूरा कर्म किया है, पूरी कोशिश की उनको चेहरे पे स्माइल लाने की। पहला पेशेंट है जिसके स्माइल आया है, किसके पहले और किसी पेशेंट को आपने ऐसा पेसमेकर लगाया है? पिछले कई दिनों से मैं हर एक मरीज का दुख को समझता हूँ, और उनको जो जो लगता है मैं उनके लिए वो करता हूँ। अगर वो फाइनेंशियली पुअर है तो मैं तुरंत डिसीजन देता हूँ सर्विस देने का।